हेलो दोस्तों, लास्ट के व्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप हरिद्वार जाना चाहते हैं दिल्ली से, वो भी बाय ट्रेन, तो कैसे जा सकते हैं और कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए, तो मैंने आपको वो भी बताया था। तो टोटल 10-12 ट्रेन है दोस्तों जो कि दिल्ली से हरिद्वार जाती हैं, जो कि अलग अलग रेलवे स्टेशन से जाती हैं, जैसे कि ओल्ड दिल्ली से, हजरत निजामुद्दीन से, न्यू दिल्ली से, शाहदरा से, गाज़ियाबाद से। तो बहुत सारी ट्रेन है जो आपके टाइम में सूटेबल लगे, आप उस ट्रेन के साथ हरिद्वार आप जा सकते हैं। दोस्तों हरिद्वार जाने के लिए जो भी ट्रेन है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेन आपको अवेलेबल मिल जाती है जब आप हरिद्वार जाने की सोचते हैं। दोस्तों हरिद्वार में मैं आज जो आपको लेके जाने वाला हूँ, श्री मनसा देवी के मंदिर में आपको लेके जाऊँगा, और उसका जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा दोस्तों उसमें मैं आपको लेके जाने वाला हूँ श्री चंडी देवी मंदिर और दोस्तों अंजनी माता के मंदिर। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये है कुछ ट्रेन की जानकारी जो कि हरिद्वार से, यानी कि दिल्ली से हरिद्वार के लिए चलती हैं ट्रेन। तो इनमें जो भी आपके टाइम में सूटेबल लगे आप उससे जा सकते हैं दोस्तों, टाइमली सारी की सारी ट्रेन ये पहुँचा देती हैं। हम जो गए थे वो गए थे हम मसूरी एक्सप्रेस से, जो कि रात को यहाँ से 10:25 से चलती है और सुबह आपको ना 6:15 बजे आराम से पहुँचा देती है दोस्तों। तो लास्ट के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, पूरी कंप्लीट जानकारी दी थी कि किराया कितना होता है दोस्तों इन ट्रेनों का। तो सेम एज वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोस्तों ट्रेन ली थी नाइट की, और सुबह सुबह इसने मॉर्निंग में मुझे हरिद्वार छोड़ दिया था दोस्तों, जिसका ट्रेन का टिकट स्लीपर का दोस्तों अप्रोक्स सभी ट्रेन का आपको 300 के नीचे पड़ जाएगा। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो शिव जी का, आदि योगी शिव जी का एक यहाँ पर स्टैचू देखने के लिए मिल जाएगा। हरिद्वार की यहीं पर आपको मार्केट मिल जाएगी। यहाँ से हर की पौड़ी दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर दूर है। हर की पौड़ी आप नहाकर यहाँ से, आप दोस्तों स्नान करने के बाद, यहाँ दर्शन करने के बाद फिर आप अपनी आगे का यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ दोस्तों श्री मनसा देवी के मंदिर। दोस्तों मनसा देवी का जो मंदिर है वो भिलवा पर्वत पर स्थित है, यानी पर्वत का नाम भिलवा है, और हरिद्वार से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। यहाँ आप रोपवे द्वारा भी जा सकते हैं दोस्तों और सीढ़ियों के द्वारा भी आप जा सकते हैं। श्री मनसा देवी का जो मंदिर आ जाएगा, जैसे हरिद्वार से आप जा रहे हैं तो 3 रास्ते हैं जाने के, एक सीढ़ियों के थ्रू रहेगा, एक रोपवे के थ्रू रहेगा दोस्तों, और तीसरा बाइक के थ्रू भी जा सकते हैं आधे रास्ते तक। ये आ जाता है श्री मनसा देवी का प्रवेश द्वार। यहाँ से आपको ना एक एंट्री लेनी है, यहाँ से आपको चुंदरी वगैरह लेनी है ये भी ले सकते हैं, या आपको ना ऊपर भी मिल जाती है। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे भी पूरी मार्केट है दोस्तों, माता रानी की कृपा से यहाँ पूरी मार्केट है। यहाँ से भी आप जो परचेज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, यानी माता रानी का यहाँ से प्रसाद लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मनसा देवी मार्केट आ जाएगी दोस्तों। सामने की तरफ ही दोस्तों टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर जो है दोस्तों वो है रोपवे का, यानी कि आपके साथ में अगर बड़े बुजुर्ग हैं और वो पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो यहाँ ना रोपवे की भी सुविधा दे रखी है, ये टिकट काउंटर मिल जाएगा। ये दोस्तों टिकट प्राइजेज आ जाते हैं, यहाँ आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, यानी कि मनसा देवी और चंडी देवी का दोनों दोस्तों का, दोनों जगह का आप ना कॉम्बो भी ले सकते हैं। ये सीढ़ी वाली चढ़ाई आ जाती है दोस्तों, यानी आना जाना सब कुछ कवर होता है, तो आप दोनों जगह का ले सकते हैं। अगर सीढ़ियों से आप जाना चाहते हैं तो खड़ी चढ़ाई है दोस्तों ये 3 किलोमीटर की, आप इससे भी जा सकते हैं। अगर आपको हृदय के योगी नहीं है तो आप सीढ़ियों का रास्ता ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके साथ बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप रोपवे वाला रास्ता ही ज़रूर चुने दोस्तों, क्योंकि खड़ी चढ़ाई में क्या होता है ना, हृदय का मतलब संतुलन ना बिगड़ने लगता है, इसलिए अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं तो आप रास्ता चेंज कर दें दोस्तों। दोस्तों हम गए थे रोपवे से, जिसे मनसा देवी उड़न खटोला भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी थे, तो हम गए थे उड़न खटोला से श्री मनसा देवी के मंदिर। इसके बीच के ना आप खूबसूरती देखना दोस्तों, रास्ते की बहुत ही अच्छी खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी। ये भी एक मतलब एक अलग ही दोस्तों वाइब है, जब आप जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए तो आप रास्ते की खूबसूरती का नज़ारा लेते हुए आप ऊपर जाएं, साथ में आप देखेंगे यहाँ से ना हरिद्वार भी बहुत ज़्यादा सुंदर ही लगता है। टोटल आप देखेंगे तो ना, जैसे रोपवे से आप जाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल आपको ना 15 से 20 मिनट ही लगेंगी ऊपर पहुंचने में, लेकिन जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। ये आ जाएगा नज़ारा, यहाँ से ना हरिद्वार बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर नज़र आता है दोस्तों, जो कि शिव की नगरी कहा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है दोस्तों। यहाँ पहाड़ों के बीच में ऊँची पर्वत पर मैया का दोस्तों मंदिर है,
आप आएंगे एक बारी तो आप विजिट जरूर करें मैया के मंदिर दोस्तों। तो बात करते हैं मैया के मंदिर के बारे में। तो मैया का जो मंदिर है दोस्तों वो बिल्वा पर्वत पर स्थित है, जो कि काफी ऊंचाई पर चोटी पर दोस्तों स्थित है। वैसे ही माँ चंडी देवी का मंदिर भी बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं चंडी मैया के मंदिर आपको लेके जाने वाला हूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट व्लॉग को देखना ना भूलें। यहाँ से देखना हरिद्वार को भी एक अलग ही फीलिंग आती है दोस्तों। हरिद्वार बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है यहाँ से देखने में। अब माँ के मंदिर बस हम पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों, आप दूर से देख सकते हैं ये आ जाएगा माँ का मंदिर। माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण मनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने सन 1815 के बीच करवाया था। बताया जाता है कि यहाँ पर माता रानी सती का मस्तिष्क रहा था, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। करीब 200 सालों से इस मंदिर के श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने पहुँचते हैं। भगवान शिव की तीन पुत्रियों में से एक का नाम मनसा भी है। मनसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मन की इच्छा को पूरी करती है। अब बस हम पहुंचने वाले माँ मनसा देवी के मंदिर दोस्तों। ये आ जाएगा माँ मनसा देवी के मंदिर का परिसर। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि आज के दिन भी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज हम जबकि हम सुबह मॉर्निंग में हमने विजिट कर लिया है यहाँ पे, तब भी आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये मंदिर का परिसर आ जाएगा, आप सामने की तरफ जूता चप्पल का काउंटर है, आप वहाँ पर अपने जूता चप्पल बैग वगैरह आप यहाँ जमा कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मनसा को ना नाग वासुक की बहन माना जाता है, उन्हें मानव अवतार में भगवान शिव की बेटी भी माना जाता है। मनसा शब्द का अर्थ इच्छा है और ऐसा माना जाता है कि देवी सच्चे भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं, यानी कि जो मनसा देवी में है दोस्तों ये अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करती हैं। और दोस्तों मनसा देवी मैया को सांपों की देवी भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों दुख दर्द को ये हरती है, एक तरीके से विषहर्ता देवी है दोस्तों। तो जोर से नारा लगाइए जय माता दी। ये आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, इससे आगे ना कैमरा अलाउड नहीं है। एक बार मैं माता रानी के आपको दर्शन करवा देता हूँ, ये माता रानी के आप दर्शन कर लीजिएगा। जोर से नारा लगाइए जय माता दी। इसके बाद में आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो वहाँ भैरव बाबा मिलेंगे आपको, वैष्णो देवी जी का मंदिर मिल जाएगा, आप वैष्णो देवी जी के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करके अपने नीचे की तरफ आप उतर सकते हैं। तो जैसे कि हमने तो उड़न खटोला किया हुआ था, तो दोस्तों वापस से हम उसी रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ का मतलब हम यहाँ पे आधा एक घंटे के अंदर यहाँ से फ्री हो गए थे। अभी हमने दोस्तों हरिद्वार घूम लिया है, मनसा देवी मंदिर घूम लिया, इसके बाद अब हम चंडी देवी मंदिर जाएंगे और वहीं पर माता अंजनी जो श्री हनुमान जी की दोस्तों माता हैं, उनका वहाँ पे मंदिर स्थित है सामने वाली पहाड़ी से। जो पीछे की तरफ आप पहाड़ी देख रहे हैं वहीं पर श्री चंडी देवी जी का मंदिर स्थित है, और चंडी देवी जी के मंदिर के साथ में ही माता अंजनी का मंदिर भी वहाँ पर स्थित है। तो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको उन दोनों जगहों के दर्शन कराने वाला हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखें। आप यहाँ से देख सकते हैं जब पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर रहे थे तो हरिद्वार का नज़ारा एक अलग ही दोस्तों फील देता है। तो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप श्री चंडी देवी मंदिर कैसे जा सकते हैं और वहाँ पे भी रूपवे है या नहीं है। तो दोस्तों रूपवे है वहाँ पे भी और उसका क्या किराया होगा मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखें। दोस्तों कहा जाता है कि माता मनसा देवी के दर्शन करने के बाद चंडी देवी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तभी यात्रा आपकी पूरी मानी जाती है। तो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको माँ चंडी देवी के दर्शन ज़रूर कराऊँगा, साथ ही मैं आपको कराऊंगा श्री हनुमान जी की माता यानी कि अंजनी माता के दर्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।